नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हरपल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड में दो दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण शहर में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जलजमाव की वजह से कई मोहल्लों का संपर्क टूट चुका है, वहीं लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। पूरा शहर जलमग्न है, जिसकी वजह से आम से लेकर खास सभी को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। बता दें कि बारिश के कारण कई नदियां उफान पर है। गर्गा नदी ओवरफ्लो के कारण पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, जैसा कि तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लिहाजा चीरा चास के गौस नगर समेत कई मोहल्लों का संपर्क भी जिला मुख्यालय से टूट गया है, जबकि बीएसएल प्लांट जाने वाली मुख्य सड़क पर 3.5 फीट ऊंचा जल जमाव हो गया है, जिसके कारण कई गाड़ियां पानी में डूब कर बंद हो गई है। मेरा सुभद्रा देवी नाम है। इतनी समस्या हो रही है, रास्ता बंद हो गया। ये तो समस्या तो कल परसुए से बंद हो रहे हैं, पानी जब से आ रहे तब से बंद हो गई है। कितना परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी हो रहा है, आने जाने बहुत दिक्कत हो रहा है। को आदमी डूब भस भी जा रहे हैं पुल के चलते। हाँ, आने जाने कोई नहीं सक रहे है। चास का आदमी उधर है? हाँ, उधर का आदमी उधर है, इधर का आदमी इधर है। क्या कहेंगे चास के पदाधिकारी? हाँ, क्या कहिएगा? यही कहिएगा कि इसको पुल थोड़ा ऊंचा किया जाए और क्या रास्ता बना जाए। पिंटू कुमार का सर, बहुत सारी समस्या, इधर से आने में बहुत सारा दिक्कत होता है। अब देख रहे हैं उधर बहुत सारा, मैंने अभी एक बाइक भी जाके वो फंस के गिरने से बच गया, बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाता। यही है कि इस सरकार थोड़ा इस पे ध्यान दे। हाँ, प्रशासन इसमें आगे नहीं आ रहे हैं, प्रशासन को आना चाहिए आगे। और क्या बोलेंगे सर, तो बाद बाकी देखिए रहे महिला लोग को, और तो हम लोग तो खैर बाइक में है तो थोड़ा सा पानी अगर कम होता तो निकल जाते हैं। महिला लोग पैदल में आना समझ सकते हैं कितना कष्टदायी होता है। और सब और ये मुख्य मार्ग है आपका बोकारो प्लांट ड्यूटी आने जाने का, लोगों को बहुत सारा दिक्कत होता है। रुक करेंगे अगली खबर का। मुजफ्फरपुर जिले के सदर अस्पताल में कार्यरत जूनियर महिला डॉक्टर ने सीनियर डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाया है। महिला ने सीनियर डॉक्टर पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए लिखित आवेदन भी दिया है। मामले को लेकर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है, साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि सदर अस्पताल के इमरजेंसी में कार्यरत महिला चिकित्सक ने सीनियर डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाया, साथ ही महिला चिकित्सक ने टाउन थाना में लिखित आवेदन भी दिया है। आवेदन में महिला चिकित्सक ने बताया कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कहने पर वो इमरजेंसी में ड्यूटी कर रही थी, तभी डॉक्टर नूरुल कमाल उन्हें अकेले पाकर उनके साथ छेड़खानी करने लगे, जिसके बाद उन्होंने मामले को लेकर के पुलिस को अवगत कराया। सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में एक इंटर्नशिप कर रही महिला डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि सदर अस्पताल के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है मोहम्मद नूरुल कमाल, उनके द्वारा उक्त इंटर्नशिप के स्टूडेंट को हाथ पकड़ के खींचा गया और उनको धमकी दी गई, उनका फ़ोटो लिया गया। इसके लिए इंटर्नशिप कर रही स्टूडेंट ने थाने में एक FIR इनके खिलाफ दिया गया है, जिसके आवेदन के आधार पर एक FIR दर्ज किया गया है 354B 506 भादवी के धारा में, और उन्हें थाना लाया गया है, अनुसंधान चल रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का और बात करेंगे स्वच्छता पखवाड़ा की। आपको बता दें कि रांची रेल मंडल की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सभी रेलवे परिसर क्षेत्र और रेलवे परिसर क्षेत्र से जुड़े हर स्थान पर स्वच्छता अभियान रेलवे के पदाधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा चलाया गया। रांची रेल मंडल पिछले 16 सितंबर से स्वच्छता अभियान चला रहा है। स्वच्छता को लेकर रांची DRM रेलवे के पदाधिकारियों ने इस विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दी है। स्वच्छ रेलगाड़ी के तहत जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज थे, जो कि स्टेशन पे हमने कार्यरत किए हुए हैं, जो कि स्टेशन पे आई हुई ट्रेन की साफ सफाई करते हैं, उनको हमने प्रोत्साहन के लिए कुछ सर्टिफिकेट, कुछ अवार्ड्स, कुछ उनका प्रोत्साहन भी बढ़ाया, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिल सके कि कैसे हम गाड़ी को और अच्छे तरीके से साफ। अगला हमारा 22 तारीख का जो प्रोग्राम था हमें, उसमें था स्वच्छ पटरी। तो हमने रेल ट्रैक्स को फोकस करके पटरियों की क्लीनिंग के ऊपर फोकस किया,
साफ सफाई वहाँ पे लिटरिंग, गार्बेज, प्लास्टिक के जो वो रैपर्स पड़े होते हैं, कागज पड़े होते हैं, पूरा कचरा जो ट्रैक्स के बगल पे पड़ा होता है उसको हमने फोकस किया। हमने अवेयरनेस कैंपेन चलाई, हमने आर्ट सीरीज की ट्रेनिंग कैंप्स किए। उस पर एक और कार्यक्रम हुआ जिसको स्वच्छता संवाद कहते हैं। स्वच्छता संवाद के तहत हमने रेल अफसरों ने, रेल सुपरवाइजर ने अपने कर्मचारियों के साथ वन टू वन संवाद स्थापित किया, उनको बताया कि स्वच्छता का क्या महत्व है, सफाई से क्यों हमारा वर्किंग लाइफ अच्छी कैसे होती है। तो उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन और क्लीनिनेस कैंपेन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मेरठ रोड स्थित एमडीए कार्यालय के बाहर स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि सहारनपुर के कमिश्नर व नोडल प्रभारी मुजफ्फरनगर ऋषिकेश भास्कर यशोदा ने अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में पहुंचे कमिश्नर को एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह सहित कई अधिकारियों ने फूल देकर स्वागत किया। कमिश्नर सहारनपुर ने झाड़ू लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की और कई पेड़ भी लगाए। आज ये स्वच्छता पखवाड़ा तो चल ही रहा है, माननीय मोदी जी के जन्मदिन से 17 सितंबर से चल रहा है, ये कल तक चलेगा। लेकिन आज जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे ये 1 तारीख को 1 घंटा एक साथ ये श्रमदान का उन्होंने आह्वान किया था, तो उसी के तहत हम लोगों ने श्रमदान किया है। और आज यहाँ नोडल अधिकारी माननीय आयुक्त महोदय आए हैं, उन्होंने भी श्रमदान किया है और पौधरोपण भी किया है हम लोगों ने। और इस स्वच्छता के पीछे यही है कि महात्मा गांधी को स्वच्छांजलि देनी है और ये शपथ भी ली गई है माननीय आयुक्त महोदय की उपस्थिति में, सभी बच्चों, स्कूल के बच्चों की शपथ दिलाई गई है कि स्वच्छता ही को हम अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं और कम से कम जो है हर सप्ताह में 2 दिन हम लोग श्रमदान करें। और मैं तो CM होने के नाते कहना चाहूँगा कि स्वच्छता अगर अपना लें तो ये डेंगू और मच्छर जनित जितनी बीमारियां होती हैं इनका अपने आप खात्मा हो जाएगा। देखिए, ये एक माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील पर, महात्मा गांधी जी का जो जन्मदिवस है 2 अक्टूबर, उसकी पूर्व संध्या पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ये प्रदेश के समस्त जनपदों में किया जा रहा है। उसी तरह मंडल के भी सारे जनपदों, तीनों जनपदों में ये का अभियान चलाया जा रहा है। 1 घंटा हम लोग श्रमदान देकर महात्मा गांधी जी को एक हम लोग श्रद्धांजलि की जगह एक स्वच्छांजलि हम लोग जो है अर्पित करेंगे। उसी क्रम में इस कार्यक्रम को नगर जनपद सब तीनों जन मंडल के जो तीनों जनपद है उनके सारे नगर निकायों में, नगर पालिकाओं में, नगर निगम में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रत्येक वार्ड में इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है और उसमें जन सामान्य की तरफ से जो है यहाँ पर योगदान मांगा जा रहा है कि वो भी मतलब जो 1 घंटा अपने जीवन का आज देकर यहाँ पर श्रमदान करें। उसी कड़ी में आज मैं भी यहाँ पर नोडल अधिकारी के रूप में यहाँ पर आया था और यहाँ का उत्साह देख के बड़ा ही अच्छा लगा। मुजफ्फरनगर में जगह जगहों पर जो है मैंने देखा कि NCC का एक पथक भी अभी थोड़ी देर पीछे वहाँ पर सफाई अभियान में लगा हुआ था, तो काफी अच्छा मतलब जो है यहाँ पर माहौल बना हुआ है। बात करेंगे अमेठी की। अमेठी के संजय गांधी अस्पताल के पक्ष में अब पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता संजय सिंह उतर गए हैं। उन्होंने कहा कि महिला की मौत में दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन अस्पताल को बंद करना ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने महिला के परिजनों को आर्थिक सहयोग देने की भी मांग राज्य सरकार से की है। ऐसा है, पूरे इलाके को इस बात का दुख है कि हमारे अपने परिवार की बेटी की जान गई। इससे नकारा नहीं जा सकता कि सबको इस बात का कष्ट है, लेकिन उसकी मौत की जांच होनी चाहिए कि इस डॉक्टर ने कैसा किया, दवा ठीक होने के लिए उसके उपचार में गड़बड़ी थी, डॉक्टर की कमी थी, ये सारी एक जांच का विषय है। हमें लगता है जांच करके जो दंडनीय है उसको दंड मिलना चाहिए और सरकार उस परिवार को, जो पीड़ित परिवार है, उसके भरण पोषण का, उसके जितनी भी आर्थिक मदद हो सके वो सब करनी चाहिए। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि अस्पताल 82 में शिलान्यास हुआ, 96 से चल रहा है, तमाम सारे लोगों के लिए उस समय हमें याद है, बनारस, लखनऊ और इलाहाबाद के अलावा तमाम सारे जिलों से लोग आते थे। सुल्तानपुर जिला हुआ करता था, 96 से उसमें तमाम सारी इमरजेंसी है, ब्लड प्रेशर है, तमाम सारी आर्थोपेडिक्स है, महिलाओं की दवा होती है, बच्चों की दवा होती है। और ये सुविधा सरकार को बढ़ानी पड़ती है तमाम सारी चिकित्सा की, घटानी और बंद नहीं करनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से भी लिख रहा हूँ और उनसे निवेदन करूँगा कि इस पर विचार करें, जांच करके डॉक्टर को पनिश करें, महिला का जितना सहायता परिवार को हो सकता है, लेकिन अस्पताल बंद नहीं होना चाहिए।
रुक करेंगे अगली खबर का और बात करेंगे बाबूलाल मरांडी की। बाबूलाल मरांडी की जनसंपर्क यात्रा जो है वो गांडे पहुंची, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही इस दौरान मंच पर कई बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से लगातार ये संकल्प यात्रा जो है वो चलाई जा रही है, जिसके तहत बाबूलाल मरांडी लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं और राज्य सरकार के बारे में जनता को संबोधित करते हुए कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी और केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में जनता को अवगत करा रहे हैं। मंच से बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। फोल्डर में बात होती हो, फाइल में बात होती हो, बॉस में बात होती हो, ये काम दलाल करते हैं, बिचौलियों करते हैं, फिर भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा। हेमंत सोरेन जी तो कहते थे कि हम शिव सोरेन के बेटा है, हम डरते नहीं है। हेमंत भाई तो हिम्मत है, आज ने तो ईडी नोटिस किया है तो भागे थे भाई, कभी सुप्रीम कोर्ट दौड़ लगा रहे हैं, कभी हाई कोर्ट दौड़ लगा रहे हैं। हमने कहा कि भैया जब कोई चोरी ही नहीं की हो, गड़बड़ ही नहीं किया हो, तो डर क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो, जाओ ने भी ऑफिस बता देना कि ये हमारी संपत्ति है, हमने कहीं किसी का कोई लूटा नहीं है। लेकिन डरता कौन है, वही ना डरता है जो चोरी करता है। तो हेमंत सोरेन के साथ भी वही हालत है बेचारे का, और इसलिए हमने कहा कितना भागोगे, भागते भागते एक दिन तो वही जाना पड़ेगा, वो हर बार जेल में, उस जेल को भी हम ही बनवाए हैं, पता है कि नहीं आप लोगों को। हमें पता था कि इस राज्य में ऐसे ऐसे लोग होंगे जो राज को लूटेगा, तो इन लोगों को कम से कम वहां जगह मिलेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांव गरीब किसान मजदूरों की चिंता करते, माँ बहनों की चिंता करते, वो कैसे गरीबी से बचे उनकी चिंता करते, वो भूखे मरे हो वो भूखे नहीं मरे उसकी वो चिंता करते। व्यापारियों की हत्या हुई, उनमें से 9 लोगों ने तो पुलिस को इन्फॉर्म किया था, सूचना दिया था, हमारी जान को खतरा है, हमारी सुरक्षा की जाए, हमारी रक्षा की जाए। अगर सरकार और पुलिस उनकी सुरक्षा दी होती, रक्षा की होती, फिर 9 लोगों की जाने नहीं जाती। लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया, पुलिस ने कुछ नहीं किया, उन लोगों की हत्या हो गई। और इसलिए मैंने हेमंत सोरेन जी से मंच की मांग करते कि आप या तो एसआईटी गठित करके जांच कराइए, जिस भी पदाधिकारी ने लापरवाही की है, सूचना के बाद भी सुरक्षा नहीं कर पाए, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आज आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो जिस दिन बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, उस दिन हम कार्रवाई करवा देंगे, और चाहे कितनों भी बड़े पुलिस ऑफिसर क्यों ना हो, अगर लापरवाही बरता गया है तो उनको उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनको सजा मिलेगी। ये हालत इस राज्य की कैसे कानून व्यवस्था ठीक होगी, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार तो आज हालत खराब है। सरकारी कोई भी ऑफिस में जाएंगे सब जगह पैसा लगता है, चाहे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, यहाँ तक कि मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना होता है तो पैसा लगता है। लगता है कि नहीं लगता है बोलो, नहीं तो बोलोगे कि झूठ बोल रहे थे आकर। राशन कार्ड में भी अगर आपको नाम जोड़ना होता है तो उसमें भी पैसा लगाया लगता है। लगता है कि नहीं, कितना लगता है राशन कार्ड में नाम जोड़ने पर? 3,000। बताइए अब गरीब कहां से 3,000 टका पाएगा कि राशन कार्ड को। उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुलाए, उसमें से हमारे देश की जो माँ बहने हैं उनके लिए 33% विधानसभा में भी सीटों का रिजर्वेशन किया गया, और लोकसभा में भी 33% सीटों की हमारी माँ बहनों के लिए उन्होंने रिजर्वेशन किया। दुनिया के किसी भी देश में माँ बहनों के लिए इतनी बड़ी तादाद में सीटों का रिजर्वेशन नहीं आया था। भारतवर्ष में भी जो लोग पहले विरोध करते थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण आज किसी ने कोई विरोध नहीं किया, और देश में माँ बहनों के लिए भी 33% लोकसभा और विधानसभा में सीटों के रिजर्वेशन किया। इसलिए हम तभी माँ बहनों से कहेंगे, पुरुष भाई से भी कहेंगे, एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से आप सब लोग जोर से ताली बजाना, यही मैं कहने के लिए आया हूँ।
सही निवेदन करने के लिए आज के इस प्रदेश में आप विकास का काम देख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के हाथों झारखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी के हाथों बना। यहाँ के लोगों की मांगे वर्षों से थी, लेकिन किसी भी पार्टी ने किसी ने भी इस मांग को कभी आवाज में साथ नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया। जब देश में बीजेपी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो अलग झारखंड प्रांत भी बना। अगर किसी ने अलग राज्य दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। दिया कि नहीं दिया यही बताओ। और पहले मैं लोगों से कहता था कि गांव घरों की क्या हालत थी, आने जाने में दिक्कतें होती थी, नदी नाला में कोई पुलिया नहीं था, आने जाने तक सड़कें नहीं थी। हम लोग हाट बाजार जाते थे, भेड़ा खरीदने जाते थे, शादी ब्याह में हम लोग जाते थे, बड़ा पैदल जाना पड़ता था। थोड़ा संभ्रांत लोग होते थे तो बैलगाड़ी से लोग लेकर जाते थे, वो भी बड़ा मुश्किल से होता था। लेकिन जब देश में और प्रदेशों में बीजेपी की सरकार बनी तो गांव तक सड़कें भी पहुंचने लगा और घरों तक बिजली भी पहुंचने लगी और नदी और नाला में पुलिया भी बना। अगर ये विकास का काम हुआ है तो बीजेपी की सरकार ने किया है, हेमंत सोरेन ने ये काम नहीं किया है। हम यही कहने के लिए आयुष्मान कार्ड भी कर्मचारी आपके घर में पहुंचा देंगे और राशन कार्ड भी अगर नाम किसी का छोड़ा छूटा है तो आपको घर में जाकर को उसको जोड़ देंगे। उसके लिए जनता को किसी ऑफिस की दरवाजा खटखटाना नहीं पड़ेगा। हम यही करने के लिए मैं आज आपके लिए। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।